नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट विशेष। बालाघाट विशेष में आज सबसे बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और उस इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 12 बजे करीब एक पत्रकार वार्ता बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के 15 महीने के जो कार्यकाल रहा है उस सरकार में जो काम किए उनकी उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर एक स्थिर सरकार को गिराने का आरोप लगाया है और इस स्थिर सरकार को गिराने के पीछे जो षड्यंत्र उन्होंने बताया उसमें भाजपा को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया। साथ ही उन्होंने उन 22 बाकी विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ सत्ता के लोभियों और लालचियों की वजह से मध्य प्रदेश के जनता के द्वारा चुनी गई एक स्थिर सरकार आज नहीं रही। तो इस तरह का आरोप मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया है। अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कौन होते हैं। फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि अभी तक बीजेपी की ओर से जो विधायक दल का नेता चुना जाना है वह नहीं चुना गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, जिसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश के अगले सीएम कौन होंगे। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के राजनीतिक ड्रामे के बीच। जो विगत 17 दिनों से मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था उस ड्रामे के बीच आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाटकीय ढंग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसके बाद में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफा सौंपे जाने के बाद में कांग्रेस के पास में जो नंबर गेम है वो 92 का रह जाता है। इसमें हम बसपा और सपा के विधायकों को फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब अन्य पार्टियों के जो विधायक है उनका भरोसा करना बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राजनीति में जिसकी सरकार रहती है वो विधायक उनकी ओर भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन विधायकों को अब कांग्रेस के साथ नहीं गिन रहे हैं। तो कांग्रेस के पास अब नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो 92 विधायक है, वही भाजपा के पास में 106 विधायक है। भाजपा के भी एक विधायक शरद कोल ने अपना इस्तीफा दिया है जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन इस्तीफे के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि आज है, कल रहेगा और परसों भी आएगा। हो सकता है उनका यह इशारा आने वाले विधानसभा चुनाव की ओर हो, जो रिक्त सीटें हुई है 22 या 23 सीटें जो हुई है उन रिक्त सीटों की ओर रहा होगा। हमें पूरा यकीन है कि उनका इशारा जो था ये रिक्त सीटों पर था, क्योंकि उनको यह ऐसा लग रहा है कि ये जो रिक्त सीटें खाली हुई है इनके ऊपर जो संवैधानिक दायरे के अनुसार 6 महीने में चुनाव होंगे तो उन चुनाव में कांग्रेस बढ़त बनाएगी, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा हमारा विश्लेषण है। हालांकि वो तो जनता तय करेगी कि ये जो रिक्त 23 सीटें जो बची है उनके ऊपर चुनाव होगा तो किसके पाले में जाएगी, बीजेपी के पास जाएगी ज़्यादा सीटें या कांग्रेस के पास जाएगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि रिक्त सीटों पर चुनाव होता है तो बहुत ही घमासान दिखाई दे सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो ये आज की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति से, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 महीने के अपने कार्यकाल के बाद आज एक नाटकीय ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता अभी तक चुना नहीं गया है, लेकिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश के अगले सीएम कौन होंगे इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। बालाघाट न्यूज़ की ओर से एक छोटा सा सर्वे किया गया था और बालाघाट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, कमलनाथ को देखना चाहते हैं, शिवराज को देखना चाहते हैं, अन्य को देखना चाहते हैं, इसको लेकर बालाघाट न्यूज़ की ओर से 2 दिन पहले वोटिंग कराई गई थी और इस वोटिंग का जो रिजल्ट आया है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बालाघाट न्यूज़ की स्क्रीन है, यूट्यूब स्क्रीन है, जिसके ऊपर जो कम्युनिटी जो पेज होता है उसके ऊपर हमने एक पोल किया था और इस पोल में हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, वोटिंग करें कमलनाथ, शिवराज, अन्य।
तो इसमें हमको कुल 224 वोट मिले हैं और इन 224 वोट में कमलनाथ का जो परसेंटेज है वो 47% है, शिवराज का जो परसेंटेज है वो 45 है और अन्य के लिए 8% लोगों ने वोटिंग किया है। ये एक छोटा सा सर्वे बालाघाट न्यूज़ की ओर से किया गया था और ये 2 दिन पहले यह सर्वे किया गया था जिसमें हमें कुल 224 वोट मिले हैं। इन 224 वोट के आधार पर हम आपको ये बताना चाहते हैं इन 224 वोटों में 47% जो वोट है वो कमलनाथ के समर्थन में पड़ा है और शिवराज के समर्थन में 45% वोट पड़ा है जबकि अन्य के समर्थन में 8% वोट पड़ा है।